नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, मशीनिस्ट के लिए जॉब कहां पर है और जॉब कैसे ढूंढना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे छात्रों की जो है वह CBT एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और वह छात्र मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर, हम मशीनिस्ट के लिए जॉब कहाँ पर है तो और वह हम जॉब कैसे ढूँढें, तो आज के बारे में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं लास्ट में एक किस्सा बताऊंगा, जब मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था तो मेरे साथ क्या हुआ था। अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप JOBIN यह टाइप करके सर्च करना है। क्रोम या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर यह जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको सीधा सा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ये भी हम देख सकते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर अब इस स्किप करने के लिए दोस्तों आपको सीधा ये इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर यहाँ सर्च कोर्स यानी अपना कोर्स यहाँ पर सर्च करना है मशीनिस्ट। जैसे आप मशीनिस्ट सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, CNC मशीन, मशीनिस्ट ग्राइंडर और ए मशीनिस्ट। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। या आप अगर दूसरे भी ट्रेड से है तो आप अपना ट्रेड सर्च करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोकेशन सर्च करेंगे कि हमें किस लोकेशन पर अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सर्च करते हैं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सर्च कर लिए। अब थोड़ा इसे ऊपर स्क्रॉल करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वह 356 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। अभी अभी देखिए, यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर शकुंत इलेक्ट्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकली है। देखो, ये 30 जुलाई को। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका भी एक अलग वीडियो हम बना देंगे अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए तो। पर देखिए, ये पुरानी है, मैको इंडस्ट्रीज, ये देखिए 21/6/2022 को, मतलब इसके डेट भी ख़त्म हो गई होगी अप्लाई करने की। लगभग 1 महीने तक यहाँ पर टाइम मिलता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए सर्च करना होता है। और भी दूसरे भी वैकेंसीज निकलती है रेलवे में, तो यहाँ पर यह शो नहीं करती है, इस पोर्टल पर नहीं दिखाती। उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन जारी होती है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मैं जब प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था तब मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, जब मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था तब मैं अपना फ़ोन जो है वह मेरे दोस्त के साथ दे के गया था, दोस्त के पास देकर कंपनी में काम को चला गया। मेरी सेकंड शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट 11:30 बजे तक थी, तो मैं दोपहर में उसके पास मेरा मोबाइल फ़ोन दे के जॉब के लिए चला गया, उस दोस्त के पास दिया, जो कि हम 2 साल में साथ साथ थे। बाद में जब मैं 11:30 को जब वहाँ पर आया रूम पर, तो मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन गायब है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि वहाँ पर 3 फ़ोन थे, कॉलेज के ही 2 दोस्त थे, वह खाने को चले गए और बोलते हैं कि 15 मिनट में वहाँ पर मोबाइल चला गया। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर 3 मोबाइल थे, जो कि एक 7,000 का था, एक 13,000 का और एक 22,000 का।
तो ये 13,000 और 22,000 का नहीं गया, सिर्फ 7,000 का फ़ोन चला गया। तो ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपके लिए बाहर अगर आप जा रहे हैं जॉब के लिए तो एक सावधानी होनी चाहिए। कितना भी पास हो तो आपको समझना चाहिए किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।